बेचारे काम आ गया था, इतनी देर से खटका रहा। अभी भाई क्या हुआ तुझे, कहाँ घुस गया था? क्या हो गया भाई? अब चुप, पहले बताओ उस बोतल में क्या था? है कौन सी बोतल में? हाँ भाई, तुझे थोड़ी पता था कौन सी बोतल में। अच्छा वो बोतल में यार, उसमें ना दवाई थी। दवाई? अबे किस चीज की दवाई भाई? यार वो छोड़, ये बता तेरे को ये मार मार के सुजा किसने दिया? अबे ओ हलवाई, गुमावत बात को जलेबी की तरह, बता किस चीज की दवाई थी वो? यार दरअसल वो बात ऐसी है कि अबे अगर दवाई थी तो रखता ना संदूक में अपने, अबे वहां पे क्यों रखी टेबल के ऊपर? लगा लिया मैंने सैंड समझ के। तूने सेंट समझ के स्प्रे लगा लिया? फिर ये लड़का मुझे छेड़ रहा है। हाँ भाई क्या हो गया भाई, कैसे छेड़ रहा है? मैं क्या छेड़ रहा हूँ भाई? छेड़ भाई क्या बताऊँ, पब्लिक ने कहाँ कहाँ मारा है, बंदे को ऐसा नहीं मारना चाहिए ना, वहाँ ज्यादा मारा है। मम्मी कसम यार, दो की चार होते होते बची है मेरी। देख मेरी बात सुन यार, तुझे कमजोरी है ना, मैं तुझे एक सरल और सटीक नुस्खा बताता हूँ। पॉर्न? हाँ भाई पॉर्न, ब्लू फिल्म। देख पॉर्न देखने के ना कई सारे फायदे हैं, अबे तभी तो उससे कमजोरी नहीं आती। एक मिनट, आती है या नहीं आती? नहीं आती भाई, बिल्कुल नहीं आती। अबे बेस्ट फायदा तो यह है कि गैर सरकारी और सरकारी सारी पोजीशन समझ में आ जाती है, और कोई गर्लफ्रेंड का नाटक नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब ना घुमाओ फिराओ मूवी दिखाओ, पैसे खर्च करने का नाटक ही नहीं कोई। भाई मज़े फुलाते हैं। और एक बात बताऊँ, इसमें जितनी वैरायटी मिलती है ना कहीं नहीं मिलती, बहुत बढ़िया चीज़ है भाई। अबे तभी तो हमारे नेता आजकल चोरी छुपके से बैठ के ये तो देखते हैं, मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है एकदम। अंदर की बात बताऊं तेरे को, हमारे रक्त संचार के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। कहाँ का रक्त संचार? कहाँ का मतलब पूरी बॉडी का यार। और देख खाली 20 रुपये की बात है, 20 रुपये लगे जा कहीं भी, मतलब किसी भी सीडी की दुकान पर जाके खरीद ले। अबे यार रोटी खाने के पैसे नहीं है और 20 रुपये में सीडी में लगाता फिर। अरे यार मनोज सेंटी ना कर यार, पैसे की बात है ना, मैं देता हूँ पैसे भाई, मैं देता हूँ ना पैसे, लेकिन ये ज़रूरत है, जैसे रोटी खाना ज़रूरत है ना, वैसे ये भी बॉडी की ज़रूरत है यार। चल बे चल, यही काम रह गया है, मैं तुझे बंदूक कंट्रोल करने की बात कर रहा हूँ, तू मुझे जंग पे भेज रहा है, तू चाहता है मैं भी तेरी तरह दिवाली के पटाखे पहले चला लूँ। भाई दिवाली तो तब मनाएगा ना जब तेरा रॉकेट टेक ऑफ करे, तेरा तो रॉकेट पहले से ही फ्यूज है ना, मतलब समझ रहा है तू, समझ रहा है? और रहा साहब बारू तू निकाल दे, चल चल मैं कोई और जुगाड़ ढूंढ लूंगा भाई, और तू अंदर जाके मर अपने बेड पे, ये मेरा बेड है। ठीक है भाई ठीक है, नहीं हम तो हेल्प करने निकले थे यार, भलाई का जमाने ही रह गए। ठीक है बाबा जी, वो जो आपने उस दिन स्प्रे दिया था ना, उसकी स्मेल बहुत ही गंदी थी, मेरी शोना को उसकी स्मेल बिल्कुल पसंद नहीं आई, और उस रात भी कुछ भी नहीं हुआ, शोना तो क्या मच्छर तक मेरे पास नहीं आए। ओ समझ गया बेटा, अब तेरे को सिगरेट सर्विस की जरूरत है। सिगरेट सर्विस मतलब? अरे भैया हींग लगे ना फिट करी और रंग भी आए चोखा। ओ बाबा ओ, वो तो तुमने स्प्रे दिया था जिसकी इतनी गंदी स्मेल थी, अब हींग लगाने की बात कर रहे हो, और ये हींग लगाऊं कहाँ? ओ भैया ओ, कौन से स्कूल का पढ़ा है, हैं? शहीद अवध तिवारी राजहंस मॉडल स्कूल से, बुंदेलखंड वाले। पर स्कूल का क्या करना है? अरे आप वो उस दिन कोई वो खाने की गोली बता रहे थे ना। हाँ कितनी गोली दे दूं? कितनी क्या दूं, मुझे क्या पता, चूरन गोली थोड़ी है जो सिर दर्द तो खाने के बाद एक खा ली।
ठहर अभी, गोली देता हूँ तेरे को। देख ऐसा है, ये एक गोली कार्यक्रम के आधा घंटे पहले ले लियो, ये ले। खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद? अरे तेरे को आग कहीं और लगी हुई है और तू पड़ा है खाने के पीछे, हैं? हाँ बोलो। हेलो, हाय जान। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? मैंने आज तक तुम्हारे जैसा बेशरम आदमी नहीं देखा। तुम एक नंबर के सेल्फिश हो, सेल्फ सेंटर्ड हो। नहीं बाबू, वो मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, अब सब ठीक है। ठीक तो तब भी था, बट वो क्या था जान? वो तो मैं आपकी और अपनी लाइफ थोड़ी सेंसेशनल और स्पाइसी बनाने के लिए लाया था। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आपको सरप्राइज अच्छा नहीं लगेगा। बाबू आई स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो आपको हर्ट करे। ओह रियली? प्लीज आज रात को 8 बजे मेरे घर पे। नहीं आज तुम यहाँ आ जाओ, मेरी रूममेट अपने घर पे गई हुई है, या मैं कोई डिस्टर्ब नहीं। ओके जान, लव यू। क्या हुआ? मॉम का फोन आया था, डैड को हार्ट अटैक आया है, माइनर है लेकिन मुझे अभी घर जाना होगा। हाँ 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 जानू, तुमको जरूर जाना चाहिए। मैं ऑटो बुलाऊं? नहीं, मैंने ना टैक्सी बुलवा ली है, मैं निकलती हूँ। बस ये चाबी तुम नीचे वाली आंटी को दे देना, ठीक है? बाय। ओह शिट, अरे यार अब क्या करूं, यहाँ तो कुछ मिल भी नहीं रहा टकने के लिए। अरे यार वो चली गई, तू क्यों परेशान हो रहा है? क्या करूं, ये बैग ले जाता हूँ। उठ जा भाई, और रात को दारू पी के सोया था क्या? अरे नहीं यार, बड़ी दर्द हो रही है यार। सुन, आयोडेक्स है क्या? आयोडेक्स? हाँ। ओए कहाँ दर्द करा लिया चीते? अरे यार ये कोहनी में बड़ी दर्द हो रही है। कोहनी में? कोहनी में दर्द क्यों हो रहा है? अरे यार फिर से गया एलबीडी। अबे वो सब ठीक है पर कोहनी में दर्द कैसे हो रहा है तेरे? हैं? जा दूध वाला आ गया, दूध ले ले। अरे भैया दूध ले लो। हाँ दे दो। पतीला लेके आओ, हाथ में लोगे क्या? क्या क्या? अरे क्या हाथ में लोगे? अरे दूध हाथ में लोगे क्या? पतीला लेके आओ। ओ ओ एक मिनट। अरे आराम से, हाथों में जोर नहीं है क्या? थोड़ी कसरत उसरत किया करो। अब क्या बताऊं भैया, जोर कहां कहां से निकल रहा है। क्यों, कल रात को ज्यादा जोर लगा दिए थे क्या? हाँ सारा।
एक काम करो, कल से अखाड़े आ जाओ। गुरुजी ऐसी ऐसी कसरत कराएंगे कि सारी कमजोरी दूर हो जाएगी। जैसे नीम के पेड़ से मधुमक्खी। क्या बात कर रहे हो, सच बताओ? हाँ हाँ, आके देख लो। अच्छा, और मुझे कितने बजे आना होगा? 5 बजे आ जाओ। 5 बजे ठीक है, 6 बजे आ जाओ। 6 बजे एक काम करता हूँ, सुबह गुरुजी को यहीं भेज देता हूँ, आराम से कर लेना बिस्तर में लेटे लेटे। अरे भैया भैया भैया, अरे तुम तो नाराज़ हो गए, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मैं करेक्ट 6 बजे आ जाऊँगा। ठीक है, और हाँ, कच्छा पहन के आना और लंगोट हो तो लेके आना, बांधना भी सिखा देंगे, नहीं तो घुटों में पानी भर जाता है। क्या हाल है भाई? ओए, बड़े बॉडी बिल्डिंग के टिप्स ले रहा है यार। अरे इसके बारे में तो बताना ही भूल गया, मछिंदर पाल सिंह सोडी, हमारी जिंदगी का कोड। अबे पानी किसने बंद किया? हाँ मम्मी, नहीं वो खाना तो नहीं खाया, मंगलवार था ना मेरा आज, तो इस चक्कर में। भाई वो वोडका बची है क्या? स्ट्रगलिंग राइटर है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं, थोड़ा रिवर्स लेते हैं। सर मैंने ना एक नई कहानी लिखी है, लव स्टोरी है सर, बहुत प्यारी है, सुनाऊं? हाँ सुनाओ। हाँ सर, डीप इमोशनल लव स्टोरी है ना, ध्यान से सुनना। सर क्या होता है कि पहाड़ों में ना एक बड़ी रोमांटिक जगह, आसमान में बादल छाए हैं, नवजोत और हरदीप हाथों में हाथ डाल के बैठे हैं। ओए, तूने क्या ये गे लव स्टोरी लिखी है? गे? सर इसमें गे क्या है? नवजोत लड़की है और हरदीप लड़का। अच्छा, मैं तो हमेशा से यही समझता था कि नवजोत आदमी का नाम होता है, नवजोत सिंह चिंटू। सर ऐसे करते हैं कि नाम चेंज कर देते हैं, हम करते हैं कि रजिंदर थे सुरिंदर हाथों में हाथ डाल के बैठे थे। अबे इससे तो वो पहले वाले नाम बेटर थे। यार तेरी ये स्टोरी में राहुल अंजलि ऐसे नाम नहीं हो सकते क्या? ले हो सकते हैं, होने को क्या? सर होने को तो आपका भी नाम हो सकता है, पर चक्कर ये है ना सर कि फिर वो पंजाबी में गाना कैसे गाएंगे? क्यों क्यों गाएंगे पंजाबी में? हम क्या यहाँ पंजाबी फिल्में बनाते हैं? नहीं नहीं, गाएंगे गाएंगे, ऐसे गाएंगे। हाँ। तेनू वेख्या तो ये जाना सोनिए, प्यार हुंदा है दीवाना सोनिए। गेट अप, तहो यहां से, चल निकल। सर पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। गेट आउट। सर एक बारी आउट, लौट तो पढ़ लेते सर। अबे दबाओ यहां से। गेट आउट। जैसे हमारी वाट लगाने का ठेका भगवान ने इसको ऊपर से दे के भेजा। ओ बाहर आके लड्डू तो खा लो। क्या तेरे को लॉटरी वॉटरी लगी है या लड्डू एक्सपायर हो गए हैं? अबे लड्डू खा रहे हो? नहीं जहर खा रहे हैं। तो भाई मुझे भी दे दो यार, तुम दोनों के बिना मैं क्या करूंगा जीके? भाई रिलैक्स, ये मेरे शादी टूटने के लड्डू हैं। तेरी शादी? हाँ मेरी शादी, वो पीजी ने लड़की देख रखी थी तभी तो मैं लुधियाना गया था। ओ यार मच्छी, अबे हमें तो लगा कि तू अपने से उम्र में छोटी लड़की को बेटी, बराबर वाली को बहन और बड़ी को माँ मानता है। और तो मैं यहाँ क्या हल्दी कूटने आया हूँ है? यार एक तो मेरी शादी टूट गई, ऊपर से तुम मेरी ले रहे हो। अच्छा ये बता, शादी टूटी क्यों? वो यार कुछ नहीं, वो लड़की वाले देखने आए थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था कि इतने में उनको लगा कि लड़का लड़की को टाइम दे देना चाहिए, साले मुझे फंसा कर चले गए। लेकिन भाई अच्छा ही हुआ कि बात हो गई, उस लड़की को तो ऐसा पति चाहिए जो की तरह कमाए और चुप रहे, बस बोले कुछ ना। अब बताओ यार मैं बंदा हूँ यहाँ क्यों? भाई मच्छी तुझे कैसी लड़की चाहिए है? मुझे भाई, मुझे तो ना ऐसी लड़की चाहिए जो चाहे कम पढ़ी लिखी हो चलेगी लेकिन सोनी होनी चाहिए यार। और भाई मैं ना वैसे भी अब इसलिए शादी करना चाहता हूँ क्योंकि अब तंग आ गया हूँ यार, ये खाना बना बना के, कपड़े धो धो के और ये घर का काम कर करके, अब बस यार। साले लेके जा अपने थके हुए लड्डू, जैसे घटिया लड्डू खिला रहा है ना वैसी लड़की मिलेगी तुझे शादी करने के लिए, चल जाके खिला उस डेढ़ पसली मकान मालिक को। साला स्ट्रगलिंग राइटर। हाँ तेरे तो ट्रक चलते हैं ना दिल्ली में, गरीब साला। एक तो साला तुम्हें लड्डू खिलाओ, ऊपर से तुम मुझे सुना रहे हो हैं? और जाना यार मच्छी, बोर ना कर सुबह सुबह। हाँ तो जा रहा हूँ। गेट बंद करके जाइयो।
चल 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 घुस 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 अंदर घुस 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 खींच 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 शाबाश, क्या मेरा पट्टा है? वाह शेर का बच्चा, यो मेरा नाम जरूर ऊपर करके मारेगा, जरूर ऊपर करेगा रे। हाँ भाई तू कौन है, के चावे है? वो गुरुजी, वो हमारे दूध वाले भैया ने बोला था कि हमको कमजोरी रहती है तो गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी तुमको मजबूत बना देंगे। रे तो गुरुजी के पास के हरी पट्टी का डंडा है के जो तने मजबूत यूं ही बना देंगे हम? उसके लिए तो तने खुद वर्जिश करनी पड़ेगी। हरी पट्टी? अरे वो जो वो के है जो अंग्रेजी फिल्मों में डंडा लेके जादू सा करे, वही तो। छोड़ तू उसने छोड़, तू अपने कपड़े उतार, वर्जिश के लिए तैयार है ना? कपड़े लगते उतार के इधर आ जा लाइन में। चलो रे सब लाइन में लगो, आ जाओ। मेरा नाम विक्रम गुज्जर है, मेरी छाती 46 इंच है। मेरा नाम लाला है, मैं दिन में 19 केले खाता हूँ और खा के सो जाता हूँ। मेरा नाम जतिन है और ये शोल्डर एकदम देसी है। अरे यू क्या कर रहा, ठीक से कर रहा है? तेरी ओ भाई, ओ भाई क्या हो गया तुझे? अब तेरा रेप वेप तो नहीं हो गया? किसने की तेरी हालत? अबे नाम बता उसका, उसकी उसकी अकाड़े वाले गुरुजी ने उसकी कॉलोनी में ना तेरा जाना बंद करा दूंगा। भाई क्यों लेते ऐसे लंबे चौड़े लोगों से पंगे, क्यों? देख क्या हालत कर दी तेरी, अबे गठरी बना के चला गया तेरी। अरे यार वो दूध वाले ने बोला था कि गुरुजी कसरत कराएंगे तो मेरी कमजोरी दूर हो जाएगी, मैंने कसरत तो कर ली फिर अब लैट्रिन में भी नहीं बैठ पा रहा हूँ, धोने की तो बात दूर है। मैंने तुझे समझाया था ना, तू तो फिर वही बात कर रहा है। भाई वैसी वाली पिक्चरें देख, वैसी वाली देख, मेरी बात सुन। जिस तरह से राख में छुपी अंगार को हवा की जरूरत होती है ना, जिससे वो शोला बन जाता है, भाई तुझे भी वो हवा चाहिए। अबे इधर से हट जा। क्यों? हवा मिलने वाली है। अबे नाक के बाद जला दिए साले। ओह अच्छा सुन, वो सीढ़ी ले आइयो कल, मैं दुकान बता दूंगा तुझे। आर्य मैडम जी, आपको हमारे पास भक्ति की चौकी की सारी सीढ़ियाँ मिल जाएंगी। अनुराधा पटवाल, अनूप जो लोटा, उदित नारायण जो बोलो तो। अरे मैडम ये वाली सीढ़ी देखिए ना, भक्ति के सारे गाने आपको मिल जाएंगे, एक बार आप बजा के देखिए। ये चौबे की दुकान की सीढ़ी है, आप भूल नहीं सकती मैडम, मैं सच बता रहा हूँ। हाँ जी भाई साहब, क्या चाहिए आपको? वो मुझे सीढ़ी चाहिए थी। हाँ हाँ कौन सी सीढ़ी चाहिए बताइए, अभी निकाल के देता हूँ। वो मुझे वो होती है ना, अरे वो होती है ना यार,
अरे यार हीरो हीरोइन बताओगे, विलन बताओगे, कुछ बताओगे तब तो सीडी निकालूंगा ना। के वो होती है, वो होती है, कौन सी चाहिए? अरे यार वो होती है ना यार, अरे वो वाली बदतमीज। अरे मैडम आते ही तुमने एक अच्छा ग्राहक भगा दिया यहां से। चाहिए क्या यार तुम्हें, आए कहां से हो? वो मैं गणपति बंगला 44 नंबर, वो मुझे सीडी। अरे अरे वो 44 नंबर बंगले से आए हो? पुष्पेंद्र भैया क्या से? आप जानते हो उन्हें? अरे उन्हें कौन नहीं जानता, बहुत इज्जतदार आदमी है भाई। आप पुष्पेंद्र भैया के? जी वो और मैं साथ ही रहते हैं। अरे भाई साहब तो पहले क्यों नहीं बताया? अब समझा आपको कौन सी सीडी चाहिए, बड़े शौकीन तबीयत के लगते हो भाई साहब आप भी है। वो बस हालात से मजबूर हैं। अरे तो आप बताइए ना कौन सी सीडी चाहिए, अंग्रेजी, यूरोपियन, अफ्रीकन, श्रीलंकन, कोरियन, चाइनीज, नेपाली, जो कहोगे हाजिर कर देंगे। आप ऐसी कोई स्पेसिफिक चॉइस तो नहीं है, पर मेरे को ना कोई ताज़ा माल चाहिए, एकदम एनर्जेटिक वाला, जिसको ना देखते ही सारी कमजोरी दूर हो जाए। अरे कमजोरी तो ऐसे गायब होगी भाई साहब कि रस्सी बांध के ट्रेन खींच लेना। हाँ भी मनोज, ये मेरा दोस्त है राघव, मैंने बताया था ना मेरे बचपन का फ्रेंड है, वो जो 10वीं में लड़की के चक्कर में 3 साल फेल हो गया था। अरे वो जो बहुत बढ़िया गिटार बजाता है, वो दोस्त है मेरा। भाई बंदे ने ना अपना रॉक बैंड बना लिया, रॉक बैंड, और आजकल दिल्ली में परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने कहा यार दिल्ली आया तो भाई से नहीं मिलेगा है, तो मेरे लिए टाइम निकाल के आया स्पेशली। पर यार मुझे ना थोड़ा ऑफिस से अर्जेंट कॉल आ गया, 2 घंटे का काम है, 2 घंटे बाद आ जाता हूँ। तब तक तुम दोनों मिलो, बातें शाते करो, गप्पे शप्पे मारो, तेरा मन करे ना तू गाना सुन ले भाई से, गजल कुछ भी यार, बहुत बढ़िया गाता है, मतलब गले में सरस्वती बैठी हुई है। तो तुम थोड़ा चिल आउट करो, मजे करो, आता हूँ मैं, हैं? ठीक है भाई,